तो दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें से दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड होती है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल के कैटेगरी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बात आती है लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी हमको एक एक करके इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो लाइन हमारी लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन आती है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर जो लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली क्या होता है, एक मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का। मान लो आपने कोई भी फैक्ट्री खोली, आप उसके मैनेजर हो, आपने अपने साथ में असिस्टेंट मैनेजर को रख लिया और नीचे आपके कुछ एक वर्कर्स हैं काम करने वाले। ठीक है, बस इतना एकदम सिंपल सी, जो सिंपल लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल सा रूल फॉलो होता है। बट आपके अंदर इसके कुछ एक डिमेरिट्स हो सकते हैं कि आपको ही मैनेजर आप हो तो, बट आपको ही सारे काम करने पड़ेंगे, आपके आपके सर के ऊपर बहुत सारे बर्डन रहेंगे। ठीक है, तो आपका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपको ही क्वालिटी को भी अश्योर करना पड़ता है, आपको ही प्रोडक्शन को भी देना पड़ता है ऐसा मैनेजर, आपको ही सारी चीज़ें को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है वर्कर्स का, तो ऊपर भी आपको ही सॉल्व कराना रहता है। ठीक है, तो ये लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो यहाँ पर देख लो इसका मेरिट्स क्या है, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक तो बहुत सिंपल होती है। देन लाइन अथॉरिटीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं मैनेजर सीधे देता है, मैनेजर देता है असिस्टेंट मैनेजर को, और असिस्टेंट मैनेजर क्या करता है, वर्कर्स को जाकर के ऑर्डर दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है, टॉप टू बॉटम, मतलब कि ऊपर से जो भी आते हैं अथॉरिटी जो भी होती है वो ऊपर से आती है और नीचे तक जाती है। सो यहाँ पर स्पेशलाइज एंड सपोर्टिव फंक्शंस यहाँ पर देखो नहीं काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैनेजर चाहता तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देता है ना, तो HR फंक्शन अलग कर देता और प्रोडक्शन का फंक्शन अलग कर देता, क्वालिटी का अलग कर देता, इम्प्रूवमेंट और जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग कर देता। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने ही ऊपर सारी बर्डन सारी जिम्मेदारियां लेकर के रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्टिव फंक्शंस कोई भी जो भी अलग से हमारे वो आते हैं एक्सपर्ट्स जो भी होते हैं वो सब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर क्वालिटी का इशू जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इशू जो भी होता है लाइक जो भी हमारा क्वालिटी होती है ना, तो वो गिरने लगती है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, तो उससे क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ सकता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इसके यहाँ पर मेरिट्स के बारे में बात करो, तो जो मेरिट्स होते हैं, एक तो ये सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड इसमें बहुत होती है कि मतलब एक ही मैनेजर है, जो वही बोलेगा वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं रहता कि 10 मैनेजर हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, 10 को अलग अलग आउटपुट दो, सबको खुश करो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। फिर यहाँ पर देखो बेटर डिसिप्लिन, एक तरीके से जो डिसिप्लिन है वो भी बेटर होता है। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फ्लेक्सीबिलिटी होती है, मतलब कि अगर किसी भी वर्कर को छुट्टी चाहिए या फिर किसी भी वर्कर को कोई भी काम है अर्जेंट जल्दी घर जाना है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट मैनेजर के पास में जाएगा, बोल देगा कि मुझे घर जाना है या मुझे छुट्टी चाहिए, वो उसने बोल दिया हाँ तो ठीक है। बट ऐसा अगर तब नहीं होता है, मान लो जब हमारे पास में बहुत सारे लोग हो, HR फंक्शन अलग हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, तो सबके साइन करवाओ, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो ये सारे जो भी होती है ड्रॉबैक्स होते हैं इस तरीके के। मेरिट्स में क्या होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपका कोई भी काम है तुरंत जल्दी से हो सकता है। फिर डीमेरिट्स देखो, डीमेरिट्स में क्या होता है, एक तो आपके स्पेशलिस्ट जो भी होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ सकता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की भी कमी आ सकती है। फिर देखो कंप्लेंट्स और सजेशंस ऑफ लोअर अथॉरिटी, जैसे कि जो भी वर्कर्स है अगर उसको कोई भी सजेशन देना होगा या फिर कोई भी कंप्लेन करनी होगी, तो वो मैनेजर के पास डायरेक्ट जाने में क्या कर सकता है, उसको थोड़ा सा हेजिटेट फील हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी बात को अपने ही तक रखता है। जो मैनेजर होता है वो तो ऑर्डर ऊपर से नीचे दे देता है, बट जो भी वर्कर होती है उसकी जो भी बात होती है वो मैनेजर तक पहुंचने में नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर क्या पता उसकी बात को पहुंचाए या ना पहुंचाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वन वे, सो देयर इज वन वे कम्युनिकेशन। इस तरीके से जो मैनेजर होता है उसी की बात को माना जाता है, उसी की बात को सुना जाता है, जो भी वर्कर होते हैं उसको भी उसको केवल जो भी रूल्स आ रहे हैं ऊपर से उसको फॉलो करना होता है, उसको अपनी बात रखने का कोई भी मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और ये लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।